सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के लाई हूँ हील्स हॉल फ्रॉम मीशो। सो मैं आपको बताने वाली हूँ इन सारे डिब्बों में कौन कौन से हील्स मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। और यस, मैं इसमें सारे ऑनेस्ट रिव्यूज बताने वाली हूँ कौन से हील्स कैसे हैं, उनके प्राइजेस और उनका कम्फर्ट, क्वालिटी, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो ये रहा मेरा पहला बॉक्स। गाइस कुछ ज्यादा हो गए। एनीवेज, तो ये जो ये वाला जो मैंने मंगाया हुआ था, इसका जो प्राइस है गाइस, ये 604 का है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका लुक कैसा है। यू गाइस विल बी अमेज्ड। सो ये रहा वो पर्पल हील। ये मुझे देखकर, यू नो, मैंने सिर्फ एक बार ही देखा और मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा। मैंने फटाक से ऑर्डर कर दिया इसे। एंड इसका एज पर द प्राइस मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये फटाक से ऑर्डर किया। चलो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि हील्स कैसी है। मुझे अच्छा तो ये बहुत लगा है, बट यार इसकी हील्स बहुत ज्यादा है मेरे लिए। मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि मैं इतनी हील्स पहन नहीं पाती हूँ। चलने मुझे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मुझे इतनी हैबिट नहीं है। एंड या इसका जो क्वालिटी है वो गाइस अमेजिंग है, यू नो, 9 out of 10। एंड इसका जो उन्होंने पेस्टिंग कर रखी है वो बहुत ज्यादा अच्छे से की हुई है, आप देख सकते हैं। और इसका जो सोल है वो भी बहुत अमेजिंग है। मतलब ये आप अगर कहीं मॉल वगैरह भी पहन के जा रहे हैं तो हमें डर लग रहा था कि हम स्लिप ना हो जाएं, बट इस हील के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये इसमें इन्होंने जो ये दे रखा है, ये कुछ बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें ऐसा कुछ लाइंस बनी हुई है, तो जिसकी वजह से आप स्लिप नहीं होंगे। तो ये काफी अच्छा है। और जो ये आगे से इन्होंने ये बना रखा है, ये आगे तो इसका लुक, यू नो, चार चांद लग जाएगा इसको पहनते ही। और इसको आप आगे से ऐसे टाई कर सकते हैं। तो एज पर द प्राइस मुझे तो ये अच्छा लगा। एंड यार, जिन लोगों को हाई हील्स पसंद है ये वो ले सकते हैं। सॉरी गाइस। और यार मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा है। मेरी पर्पल वाली हील, जिसकी मैंने बताई थी हील बहुत ज्यादा है, तो मेरे को ये थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही हील है इसकी, तो मेरे को इतना ज्यादा तो कम्फर्टेबल नहीं है। बट हाँ, जो लोग हाई हील्स वियर करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये बिल्कुल ऐसे झूम भी नहीं रही है, शेक भी नहीं कर रही है, ये स्टेबल है। तो अगर जो लोग चाहते हैं ये पर्पल वाली हील लेना, वो इसे बाय कर सकते हैं। इसके लिए थम्स अप है। लुक बहुत प्यारा आ रहा है गाइस, मुझे तो ये अच्छी लग रही है। हाँ, मेरा नेक्स्ट वाला हील जो कि मैं, बहुत ज्यादा एलिगेंट है ये एज पर लुक। और इसका जो हील है ये बहुत कंफर्टेबल है। इसकी जो हील है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसे आप बहुत अच्छे से इसे आप पहन सकते हैं। और आगे से इसका लुक भी बहुत अच्छा है। इसको वी शेप थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है। और इस हील का जो शाइन आप देख सकते हैं, आई होप ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो इसका ये कुशन वाला पार्ट है ये भी बहुत अच्छा है। मुझे तो पहन के बहुत कंफर्टेबल लगा था। बाकी मैं आपको एक बार पहन के इसका फिट एंड लुक दिखाने वाली हूँ कि ये पहन के कैसा इसका लुक आएगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है गाइज वो 480 रुपीज का है। तो एज पर प्राइस मुझे तो ये ठीक लगा है। बाकी मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ कैसा है। गोल्डन वाली हील आप इसे देख सकते हैं, ये भी लुक में बहुत सुंदर लग रही है पैरों में। एंड इसका कंफर्ट भी गाइस बहुत अच्छा है। आगे से जो इसका शेप है, इससे जो आपके, इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आपके पैर का है वो कवर्ड रहेगा। और ये लुक में बहुत सुंदर लग रही है। एंड इसकी हील, वाओ, इट्स अमेजिंग गाइस। तो अगर आप चाहें तो आप इस वाली हील को भी ले सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा ये ब्राउन कलर का, ये अमेजिंग, बहुत अच्छा लुक है इसका। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये है 339 रुपीज का। प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत सही आया है गाइस, बहुत सही आया हुआ है। बाकी इसके लुक की बात करते हैं हम लोग। इसका लुक देखिए आप लोग, ये कितना अच्छा लुक है। मतलब जो ऑफिस जाने वाले हैं, जो ऑफिस लोग जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत परफेक्ट है। और प्राइस भी इसका बहुत अच्छा है। एंड इसका जो आगे का जो शेप है वो देखिए, ये भी पूरा स्क्वायर शेप्ड है, तो ये काफी अच्छा लुक आएगा इससे। एंड इसकी जो पेस्टिंग करी है इन्होंने वो भी बहुत परफेक्टली की हुई, कहीं से भी कुछ भी नहीं निकला हुआ है, तो पेस्टिंग भी अच्छी है। एंड इसका हील साइज भी बहुत परफेक्ट है, तो इसे ऑफिस गोर्स के लिए बहुत बेटर है। इसको आप लॉन्ग लास्टिंग कैरी कर सकते हैं, इसे वियर करने में कोई इशू नहीं आएगा। बाकी मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ, इसको पहन के इसका लुक कैसा आएगा एंड इसका कंफर्ट एंड क्वालिटी वो सब मैं आपको पहन के बताने वाली हूँ। सो मैं दिखाती हूँ।
और का जो लुक है आप ये देख ही सकते हैं ब्राउन वाले का, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये पैर में बहुत प्यारा है, प्लस कंफर्टेबल भी है, बहुत सुंदर है ये, आप ये देख ही सकते हैं। मैं तो इस वाले प्रोडक्ट को रखने वाली हूँ गाइस, अगर आपको ये पसंद है तो आप भी रख सकते हैं, इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है लुक में। वाओ वाओ वाओ, येलो कलर, इट्स ट्रेंडिंग नाउ। तो या ये रहा मेरा येलो वाला सैंडल, काफी चटक लग रहा होगा वीडियो में, बट ये उससे ज्यादा चटक तो नहीं है, बाकी ये बहुत प्यारा सा येलो कलर था एंड ये मुझे देखते ही पसंद आया था। और इसका जो इसकी जो कुशनिंग है वो ठीक है, मतलब ठीक ठीक है। और जो इसका प्राइस था गाइस वो है 355, और जो इसका आगे का जो शेप है एज पर द प्राइस तो ये ठीक है। और इसमें एक्चुअली गाइस बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, पिंक, ग्रीन, बट मुझे ना येलो काफी, मेरे पास येलो कलर का तो कोई भी नहीं था तो मैंने येलो ऑर्डर किया था मीशो से। तो इसका जो आगे का जो शेप दे रखा है वो बिल्कुल वी शेप्ड है, इसका वी शेप लुक। और इसकी जो स्ट्रैप्स बनी हुई हैं ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसका हील्स के बारे में बात करते हैं, इसकी हील्स तो ज्यादा मैटर करेगा मेरे लिए। हील्स ये देखिए जो येलो कलर इन्होंने दिया हुआ है, येलो इन्होंने हील्स के अंदर भी लगा रखे हैं, या आगे ना आपको ना इनकी हील्स के अंदर जो है कील भी दिखेगी, इन्होंने शायद इसको अटैच करने के लगाया हुआ है सो दैट ये इसे इजीली कैरी कर पाए और टूटे ना। इसका सोल गाइस, सोल थोड़ा सा हो गया है इसमें, लाइक इसमें कोई भी ऐसा कुछ ग्रिप टाइप नहीं दिया हुआ है, तो सोल में मुझे थोड़ा सा डर लगता है। हील तो बहुत परफेक्ट है बट सोल में एक्चुअली थोड़ा सा ग्रिप होती तो आप बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते हो, कहीं आप कहीं फ्लैट वाली जगह पे जाओ मॉल वगैरह में तो गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। बाकी मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है, और इसकी खोल इसके जो कंफर्ट है वो कैसा दिखाती हूँ। ठीक, बहुत सुंदर लग रही है, मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही है, मेरी मॉम को ये बहुत पसंद आई है ये वाली ही, तो मैं ये अपनी मॉम के लिए रखने वाली हूँ। और बाकी इसका जो हील का साइज आप देखो कैसा लग रहा है, साइज भी अच्छा है, कम्फर्ट भी अच्छा है, लुक भी अच्छा है, तो ये एज पर द प्राइस बहुत अच्छा है। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये व्हाइट कलर का है, ये तो भाई ये, और जो इसका प्राइस है, तो इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसका जो प्राइस है 339 का है। ओके, तो मुझे ये व्हाइट कलर पसंद तो बहुत आया है बट इसका जो प्राइस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी है मुझे वैसी नहीं लग रही है। एंड इन्होंने पीछे भी इसका बहुत ज्यादा यू नो प्लेन है तो ये मुझे बिल्कुल भी इसका सही नहीं लगा, इसका जो सोल है तो ये प्लेन है तो लड़कियों के लिए सही नहीं है। बाकी जो ये हम लोग जो है अगर कहीं मॉल वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पर बहुत इजीली अपन स्लिप हो सकते हैं, तो बट हाँ अगर इसकी हील बहुत ज्यादा नहीं है तो अगर कोई चाहता, अगर किसी को ये पसंद आए तो वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लुक में तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, लुक में तो बहुत अच्छा है और इसका प्राइस भी सही है। एंड या इसका जो आगे का जो है वो बिल्कुल स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप तो यू नो ये हमेशा से अमेजिंग लगता हुआ आया है। एंड या इसकी जो स्ट्रैप्स हैं इसको आप, या अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी कैरी इसको वियर कर सकते हैं, इससे यू नो अलग सा लुक आ जाएगा आपका, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप दो तरीके से वियर कर सकते हो, ये इसमें ठीक है। बाकी इसका जो आप हील का देख सकते हैं कितनी हील है इसके, बस का यही वाला मुझे ड्रॉबैक लगा, बाकी तो मुझे काफी अच्छा लगा प्रोडक्ट। बाकी मैं सबको पहन के दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा है, बट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कंफर्टेबल है, बाकी लुक आप देख ही सकते हैं कैसा है, मतलब ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा लुक तो नहीं आ रहा है, मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, बाकी कम्फर्टेबल तो बहुत है ये, तो अगर आप कम्फर्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहेंगे तो आप इस वाले प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा नेक्स्ट वाला जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, ये वाला कलर मेरी नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे इस कलर का एक ट्राई करना चाहिए। तो गाइस जो प्राइस है वो है 289, तो इसका जो प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत प्यारा हील है यार, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा एज पर द प्राइस, बट मुझे एक्चुअली इसकी क्वालिटी में थोड़ा डाउट है, क्योंकि मुझे जैसा मुझे जिस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है उसमें ये
दिखेगा आपको वीडियो के अंदर, कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मतलब कि इसका जो कलर है वो रिमूव हो गया है। तो इसमें काफी चांसेस हैं कि अगर हम इसे रखेंगे अगर हम इसे रखेंगे तो इसकी जो स्किन है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी। यार ऐसा मेरे साथ हो रखा है एक बारी। तो गाइस अगर आपको ये पसंद है तो आप ले तो सकते हैं, बट या इसमें ये वाली प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर इसके हम सोल की बात करें, इसका भी सोल बिल्कुल स्लिपरी टाइप्स है, इससे भी कोई ग्रिप नहीं है। एंड इसकी हील अच्छी है, हील का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। इसका लुक भी बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि मैंने इसे एक बार पहना था। बाकी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आ रहा है। मेरी ब्लू वाली हील, इसको भी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है पैरों में, ये बहुत सुंदर लग रही है। और ये कंफर्ट में भी बहुत अमेजिंग है, कंफर्ट वाइज तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। और लुक में भी बहुत सुंदर लग रही है, इसकी हील बहुत ज्यादा नहीं है तो इसे आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। तो दिस इसके लिए भी थम्स अप है। हाँ, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हाइट कलर का गैन, इसमें जो काम किया गया है गाइस लिटरली बहुत अमेजिंग है। इसमें ये व्हाइट नग्स लगाए गए हैं, आप ये देख सकते हैं ये व्हाइट नग है। एंड ये बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने देखा, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसके जो हील्स हैं, जितने भी मेरे पास हील्स मैंने आपको अभी शो करी हैं उसके अंदर कलर है, बट ये वाली एक अकेली हील्स है जिसके अंदर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो ये मुझे बिल्कुल डिफरेंट सी लगी तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। बाकी जो इसकी क्वालिटी है वो तो सुपर्व है गाइस। एंड इसकी जो ग्रिप वाली, जिसका जो सोल है उसमें परफेक्ट ग्रिप दे रखी है उन्होंने, तो ये बिल्कुल सेफ रखेगा लड़कियों को अगर वो कहीं बाहर जा रही हैं। एंड इसका कंफर्ट भी होने वाला है क्योंकि इसकी हील का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। एंड इसकी जो प्राइसिंग है 427, तो मुझे लगता है इस प्राइस में इस क्वालिटी की सैंडल तो सुपर्ब है गाइज, वो भी मीशो पर। तो अगर आपको ये वाला पसंद आए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको आप जरूर बाय कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट कलर का कोई हील चाहिए मीशो से तो आप ये ले सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी इसका जो सोल है, सॉरी इसका जो ये कुशन वाला एरिया है, ये बहुत ज़्यादा कुशनी है, मतलब इसे आप आराम से इसे वियर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड या आगे से बिल्कुल स्क्वायर शेप्ड है जैसे कि मैंने आपको, और मेरी ऑलमोस्ट हील्स स्क्वायर शेप्ड में आई होंगी, मुझे स्क्वायर शेप ज्यादा ही पसंद है। बाकी मैं इसको पहन के दिखाती हूँ कैसा लुक में रहने वाला है। सो लेट्स, मेरा व्हाइट वाला हील ये बहुत प्यारा लग रहा है, जस्ट लव दिस कलर एंड डिजाइन, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड इसका ये ट्रांसपेरेंट वाला हील ये बहुत सुंदर है, तो अगर आप चाहें तो आप इस वाले हील को भी ले सकते हैं। तो ये थे मेरे सारे हील हॉल्स। बाकी आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा वाला हील सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और जो है मैं इसके प्राइजेस एंड लिंक्स ये सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। किसी को कोई प्रोडक्ट जिसमें से अच्छा लगा हो दे कैन बाय फ्रॉम मीशो फ्रॉम द डायरेक्ट लिंक। एंड या गाइज प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज वॉच माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय।